हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन चैनल बीइंग ब्रिलियंट। मैं अजय चौधरी आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि आजकल कोविड की सिचुएशन फिर से वैसे ही हो गई है जैसे लास्ट 2 ईयर से चलता आ रहा है, और जैसे आप लोगों की पढ़ाई पहले डिस्टर्ब हुई थी, अब वही सेम कंडीशन होती जा रही है। तो इसी सब को देखते हुए हम लोगों ने लॉन्च किया है एक अपना नया सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन स्टडी बड़े आराम से कर सकते हो। स्टडी के साथ साथ आप खुद को एनालाइज भी कर सकते हो, टेस्ट ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक कंप्लीट AI बेस्ड प्रैक्टिस पोर्टल है जो हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए मैं आज आपको उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये ऑनलाइन पोर्टल जब आप समझ लें, देख लें, उसके लिए आगे आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसके लिए आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा, आपको डालना होगा beingbrilliant.in, ये हमारी वेबसाइट है। तो जैसे आप beingbrilliant.in डालेंगे तो आपको यहाँ पर एक टैग मिलेगा, और जैसे ही आप टैग पर क्लिक करेंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, तो हमारी स्पीड लैग वाला टैग पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने खोल लिया और आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद आपका ये स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे एक स्क्रीन है सामने, यहाँ पे टैग्स हैं कुछ, होम, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, लाइव क्लासेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि कैसे आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले बात आई लर्न की, यहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स हैं यहाँ पे, स्टडी मटेरियल है यहाँ पे, थियोरटिकल नोट्स हैं, जो भी आप देखना चाहें वो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए लर्न वाले टैग पे जाएगा। तो लर्न में आप कोई भी कंसेप्ट आप सीखना चाहें वो आप सीख सकते हैं। यह यहाँ पर पूरा कंटेंट है, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक साइंस, कॉमर्स, सभी चीज़ का कंटेंट हम लोगों ने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो भी कंटेंट आपको देखना होगा वो आप देख सकते हो। तो लर्न एक ऐसा टैग हुआ जहाँ पर आप सीख सकते हो। ठीक है, तो सीखने के लिए जैसे हम लोग अगर एक एग्जांपल लेते हैं क्लास 12th का, एक क्लास 12th चूज़ किया मैंने, और क्लास 12th के अंदर मैंने फिजिक्स चूज़ किया, और फिजिक्स में मान लीजिए हमारे पास कोई टॉपिक है। अब एक टॉपिक चूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने एक टॉपिक चूज़ किया, हमने लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर मान लीजिए हमने कोई टॉपिक लिया जैसे इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्शन, उसके बारे में AC जनरेटर जैसे हमारे पास एक टॉपिक है, उसके बारे में थियोरटिकल नोट्स यहाँ लिखे हुए हैं। आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं इसके लिए, तो वीडियो के थ्रू समझना चाहें तो वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं, और थियोरेटिकल नोट्स के थ्रू समझना चाहें तो वैसे समझ सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये लर्न टैब के बारे में बता रहा था मैं आपको, यहाँ पे कंसेप्ट्स आप सीख सकते हैं, वीडियोज है, स्टडी मटेरियल, मतलब कंप्लीट पैकेज है, सीखने के लिए सब कुछ है। मतलब आप जो चाहे इस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, सब्जेक्ट सारे प्रोवाइड कर रखे हैं हम लोगों ने, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कॉमर्स, मतलब सब चीज़ हम लोगों ने यहाँ प्रोवाइड की हुई है। तो कंसेप्ट के बाद जो इसका मेन USP हमारे इसका पोर्टल का वो है ये प्रैक्टिस। तो हम प्रैक्टिस पे चलते हैं, और प्रैक्टिस ही एक अल्टीमेट टारगेट है हमारा, कि आप सीख जाते हो चीज़ों को, सीख तो आप इधर उधर से कहीं से भी जाते हो, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, खुद को एनालाइज नहीं कर पाते कि हाँ भाई मुझे जो सीखा है वो मुझे आता है या नहीं आता है, या वो कितना वर्दी है मेरे लिए। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस डाला है। जैसे मान लो हम प्रैक्टिस में एक टैग लेके चलते हैं, हम एक न्यू सेशन क्रिएट करते हैं। पहले न्यू सेशन के अंदर हम लोग अगर मान लो प्रैक्टिस करते हैं, हम टॉपिक ले लेते हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है हमारे पास, इसको हम लेते हैं। तो इसमें चूज़ करने के लिए कहेगा कि आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस करना चाहते हैं, असर्शन रीजन करना चाहते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप चूज़ कर सकते हो, लेवल 1, 2 ऐसे कोई भी यूज़ कर सकते हो। मान लो जी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करना चाहता हूँ और लेवल 1 डिफिकल्टी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो सेशन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको कि ये बिल्कुल AI बेस्ड पोर्टल है, मतलब ये आपको बिल्कुल 0 से लेके और टॉप तक लेके जाएगा, ये धीरे धीरे चलेगा, मतलब आपके प्रोग्रेस को एक चेक करेगा कि आप कितनी प्रोग्रेस पे हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन आया, हमने उसे चूज़ किया। अब देखो प्रैक्टिस का सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, मान लो मैंने इसे चूज़ किया, मैंने चूज़ किया और मैंने क्लिक किया और मैंने सबमिट कर दिया, मैंने मान लो ये B सेलेक्ट करा इसको और B करके मैंने सेलेक्ट करके मैंने इसे सबमिट कर दिया, और ये मेरा आंसर गलत हो गया। तो ये नहीं कि मैं सीधा आंसर कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जब मैंने करा तो मैंने क्वेश्चन देख लिया, मैंने ये मेरा आंसर गलत हो गया, तो मैं अब डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट व्यू कर सकता हूँ, मैं इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ सकता हूँ, मैं फिर से प्रैक्टिस कर सकता हूँ, यहाँ पे कंसेप्ट क्या था,
क्योंकि मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, मैं देख सकता हूँ कि कंसेप्ट क्या था, मैं कंसेप्ट को पढ़ के दोबारा से क्या करूँगा। जैसे एक बार कंसेप्ट, ये नहीं कि मतलब सीधा आंसर दे दिया, आपने एक बार गलत किया तो आपको आपको मौका मिलेगा कि आप एक बार अपने कंसेप्ट को फिर से रिफाइन करिए, और रिफाइन करने के बाद आप उसको दोबारा से, कंसेप्ट सीखने के बाद आप उस क्वेश्चन को दोबारा से अटैम्प्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं फिर से दिखाता हूँ इस चीज़ को, ये मैंने भी इसका क्लिक किया, मेरा मैंने यहाँ क्लिक किया, मेरा गलत हुआ, तो मैंने क्या करा, यहाँ से कंसेप्ट रिफाइन करा, कंसेप्ट देखा कि हाँ भाई कंसेप्ट क्या बोलता है, ठीक है, कंसेप्ट पढ़ लिया मैंने कि हाँ ये कंसेप्ट है, मैं वापस क्वेश्चन के पास गया। जैसे ही क्वेश्चन के पास गया मैंने फिर से दोबारा ट्राई कर लिया, मान लो मैंने इसे सीख करके अब दोबारा ट्राई किया, ये अब भी गलत हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकता हूँ। मतलब आपको दो तरीके से आप चेक कर सकते हो, एक बार आपने क्या करा, आपने एक बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट टाइम किया, आपको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आप कंसेप्ट पढ़िए आपको तब भी नहीं आया, आप दोबारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो, मतलब कंप्लीट चेकिंग है, आपको एक तरीके से एक टीचर आपके साथ बैठ गए जो पहले आपको क्या बता रहा है, पहले कह रहे हैं कि चलिए बेटा क्वेश्चन करिए, आपने क्वेश्चन किया आपने गलत किया, वो बताएंगे नहीं चलो बेटा अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है, उन्होंने कंसेप्ट समझाया, आपने दोबारा ट्राई किया, सही हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसके बाद भी क्या हो गया कि आप उसे आ गए, मतलब आप क्या करेंगे कि मतलब गलत हो गया आप कोई दिक्कत नहीं है, वो कंप्लीट सॉल्यूशन करके दिखा देंगे। इसके बाद भी मान लीजिए आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद भी आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिवीजन कर सकते हो, मार्क फॉर क्लैरिफिकेशन कर सकते हो। जैसे आप मार्क फॉर क्लैरिफिकेशन करोगे तो ये क्वेश्चन सीधा मेरे पास आ जाएगा, अब मेरे या मेरे कोई और टीचर के पास आ जाएगा, अब वो टीचर के पास पिंग करेगा कि हाँ जी एक बच्चा है हमारा जो इस क्वेश्चन पर अटका हुआ है, और टीचर आपके डाउट को सोल्व कर देगा। मतलब ये कंप्लीट हाइब्रिड मेथड है, एक तरीके से आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ रहे हो और हमारे टीचर्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो दोनों तरीके से आप इसे कर पाओगे। तो ऐसे मान लीजिए आपने प्रैक्टिस कर दी, प्रैक्टिस के बाद आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हो सेम अपने लिए, कितनी अनलिमिटेड टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, अनलिमिटेड टेस्ट, मैं अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड ही है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, बाकी हम लोगों के खुद के टेस्ट है जो भी हम लोग प्लेस करते हैं। लाइव क्लासेस तो आपको पता ही है क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे आपकी, और आपको धीरे धीरे जो भी कंसेप्ट होंगे समझाते रहेंगे। तो ये एक तरीके से एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर क्या होगा, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके फिजिकल टीचर्स जो आपकी हेल्प कर रहे हैं वो भी साथ साथ रहेंगे, इस कॉम्बिनेशन के साथ 100% सक्सेस आपके पास ही आएगी। तो जैसे ही आप लोगों ने ये पोर्टल देखा, आपकी कोई भी रिव्यू हो, आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जो अगर कोई मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो बिल्कुल नीचे देखिए मेरा नंबर यहाँ पर पिंग कर रहा होगा, आप इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप करिएगा, कॉल पिक्स नॉर्मली नहीं हो पाती लेकिन आप व्हाट्सअप करिएगा जो भी आपके डाउट्स हो, और किसी को भी अगर इंटरेस्ट है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये मैंने आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया अपने पोर्टल का, बाकी आप अगर चाहते हैं इसे और अच्छी तरह समझना मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बाकी जब भी आप लोग हमारे सब्सक्रिप्शन लेंगे पोर्टल के लिए लेंगे तो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट हमारी फैकल्टीज के थ्रू हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है, थैंक यू सो मच।